गोपाला रहे प्रसन्न, यूं पर्व मनाते हैं, ये पर्व मनाते हैं। अन्नकूट श्री गोवर्धन की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। वैसे तो ये ब्रजवासियों का मुख्य त्योहार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को आता है हर बार। नंदलाला के युग से ही मनाया जाता है, गौ गोपाला के प्रति ये भाव जगाता है। द्वापर युग के आरंभ से इसका विधि विधान, अवतरित तब हुए धरा पे कृष्ण जी भगवान। ऐसे पर्व से गौ माता का होता है कल्याण, पौत्र गोत्र सुख ऐश्वर्य मिलता सब सम्मान। पौराणिक जो लिखी कहानी वो बतलाते हैं, हम वो बतलाते हैं। अन्नकूट श्री गोवर्धन की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। युग में घटी थी घटना एक समय की बात, मोहन गैया चरा रहे थे गोप ग्वाल के साथ। घूमते घूमते गोवर्धन की गई तराई में, मगन हजारों गोपियां वहां खुशी मनाई में। इस उत्सव का क्या प्रयोजन हमको बतलाओ, कहे गोपियां उत्सव घर घर देखते जाओ। वत्रासुर को मारने वाले इंद्र का पूजन, मेघा देवों का स्वामी करते हम वंदन। इस पूजा से इंद्र देवता खुश हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। अन्नकूट श्री गोवर्धन की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। गोपियां इंद्र के कारण वर्षा होती है, वर्षा से ही अन्न की खेती पैदा होती है। अन्न से ही इस ब्रज मंडल का होता भरण पोषण, ऐसे पूजन करने से हो इंद्र देव प्रसन्न। बोले कन्हैया इंद्र देव को खुद आना चाहिए, जो तुम भो
भोग लगाते उनको खुद खाना चाहिए। ऐसा है तो उत्सव तुमको करना चाहिए जरूर, ऐसा नहीं तो ऐसी पूजा से हो जाओ दूर। गोप गोपियाँ ऐसा सुनकर बड़ा घबराते हैं, वो बड़ा घबराते हैं। अन्नकूट श्री गोवर्धन की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। कहे गोपियाँ इंद्र देव की निंदा मत करिए, निंदा अच्छी ना बतलाई कृष्ण जी डरिए। इंद्र देव के नाम का ये तो यज्ञ हमारा है, इंद्र देव के कारण सबका चलता गुजारा है। इंद्र में क्या शक्ति है कहने लगे गोपाल, गोवर्धन में शक्ति ज्यादा पर्वत करे कमाल। गोप गोपियाँ इंद्र देव की पूजा अब छोड़ो, गोवर्धन की पूजा करके नाता सब जोड़ो। इंद्र देव की पूजा कृष्ण बंद कराते हैं, पूजा बंद कराते हैं। अन्नकूट श्री गोवर्धन की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। गोवर्धन की पूजा शुरू, इंद्र की पूजा बंद। गोप गोपियाँ इस पूजन का लेने लगे आनंद। जैसे कृष्ण ने बतलाया वैसा ही पूजन, गोवर्धन की तलहटी में उत्सव आयोजन। नारद मुनि ये पर्व देखने ब्रज गांव आए, इंद्र देव की पूजा बंद है देख चकराए। इसके पीछे क्या कारण ये पता लगाया था, देवराज इंद्र को जाकर सब बतलाया था। नारद की बातों में इंद्र जी ध्यान लगाते हैं, इंद्र जी ध्यान लगाते हैं। अन्नकूट श्री गोवर्धन की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। नारद बोले गोवर्धन है तुमसे भी बलवान,
उनका पूजन शुरू किया है इंद्रदेव श्रीमान। गोप गोपियों ने इंद्र का यज्ञ किया फिर बंद, आपकी महिमा आप ही जाने मुझको नहीं पसंद। एक दिन मिलके इंद्रासन पे कर लेंगे अधिकार, कहाँ से होगा यज्ञ तुम्हारा कौन करे जयकार। इंद्र बोले गोकुल में जा शक्ति दिखला दो, प्रलय जैसा बने नजारा जल यूं बरसा दो। बादल मिलकर मूसलाधार जल बरसाते हैं, बादल जल बरसाते हैं। अन्नकूट श्री गोवर्धन की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। ग्वाले प्रलय देख के हुए बहुत परेशान, श्री कृष्ण की गए शरण में बोले बचा लो जान। गोप गोपियों की कृष्ण ने सुन ली करुण पुकार, कहने लगे तुम गोवर्धन की जाओ शरण पधार। गोवर्धन की तराई पहुँचे गैया ग्वाल बाल, रक्षा करने पहुँच गए थे मुरलीधर नंदलाल। गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली उठा डाला, इंद्रदेव के जल प्रलय से सबको बचा डाला। छाता जैसा तान के अपनी लीला रचाते हैं, अपनी लीला रचाते हैं। अन्नकूट श्री गोवर्धन की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। इंद्रदेव ने सात दिनों तक जल बरसाया था, श्री कृष्ण ने ग्वाल बाल को आप बचाया था। चक्र सुदर्शन की माया से बूंद नहीं आई, चमत्कार जो देखे वो ही करता वाहवाही। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को ऐसे समझाया, श्री कृष्ण से माफी मांग लो उनको बतलाया। ब्रह्मा जी की बात को इंद्र कैसे देते टाल, आकर बोले माफी दे दो नटवर मदन गोपाल। अपनी मूर्खता पर इंद्र बड़ा पछताते हैं, वो बड़ा पछताते हैं। अन्नकूट श्री गोवर्धन की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं।
ब्रज के वासी जीत गए थे इंद्र की हुई हार। नंदलाला की होने लगी थी चारों ओर जयकार। 7 दिनों के बाद गोवर्धन वापिस रख डाला। अन्नकूट का पर्व मनाओ बोले नंदलाला। तब से अब तक गोवर्धन की पूजा जारी है। इस उत्सव की हिंदू धर्म में महिमा भारी है। पीत पिताम्बर धारी की ही ये सारी करामात। अपनी लीला खूब रचाई वह वह राधानाथ। इसीलिए तो राधा राधा कृष्णा गाते हैं, राधा कृष्णा गाते हैं। अन्नकूट श्री गोवर्धन की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। पक्ष कार्तिक की पहली जब भी आती है, ब्रज मंडल में इस उत्सव की रौनक छाती है। गोबर के गोवर्धन बनते अपने घर के द्वार। गोबर का अन्नकूट बना पूजन को हो तैयार। मिष्ठानों की पहाड़ के जैसी बनती आकृति, उसके मध्य श्री कृष्ण की रखते हैं मूर्ति। प्रसाद रूप में दही चीनी का मिश्रण है बटता। पूजन दान दक्षिणा से सब कष्ट पाप कटता। श्री कृष्ण जी भक्ति रूपी कमल खिलाते हैं, वो कमल खिलाते हैं। अन्नकूट श्री गोवर्धन की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं।